वही नर्मदा माँ के दक्षिण तट पर आज यानी बुधवार को गबला ग्राम में शिव शक्ति योग आश्रम का भूमि पूजन विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें सभी लोग ने इसमें हिस्सा लिया। शिव शक्ति योग आश्रम की संचालिका प्रतिमा ने बताया कि नर्मदा के गबला ग्राम में इस योग आश्रम के निर्माण से नर्मदा जल क्षेत्र में योग साधना में स्वास्थ्य के प्रति रुझान बढ़ेगी और लोक कल्याण होगा। वहीं इंदौर से आए पहले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और लाफ्टर योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड लाफ्टर एम्बेसडर और गुरु उज्जवल स्वामी ने यहां पे कहा कि बड़े सौभाग्य के क्षण हैं। मैं आज मां नर्मदा के तट पर शिव शक्ति योग साधना आश्रम के भूमि पूजन के अवसर पर आया हूँ और पिछले 10 वर्षों से शिव शक्ति योगा केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ। समस्त गवला ग्राम के नगरवासियों को, हरदा के, हंडिया के सभी नगरवासियों को मेरा प्रणाम और मेरा प्रेम स्वीकार करें। माँ नर्मदा की कृपा से यहाँ पर शिव शक्ति योग साधना आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, जो मानव कल्याण का इसका उद्देश्य है, स्वास्थ्य से संबंधित इसका उद्देश्य है। मैं संदेश से इतना देना चाहूँगी, योगी बनो, निरोगी बनो, भारत भूमि का कल्याण करो। कहीं संतों से मैं मिली हूँ, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था कि कहीं संतों से मैं मिली हूँ, तो कहीं संतों ने ही मुझे ये बताया कि ये मेरे इस जन्म का नहीं, मेरे पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है कि मैं आज तप करते करते मैं शिव साधक हूँ और शिव की परम साधना उनको अपने सर्वस्व मानते हैं। मेरा नाम स्वामी उज्जवल है और मैं आज यहाँ इस शिव शक्ति योग आश्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ और बड़े सौभाग्य के क्षण है, माँ नर्मदा के तट पर हम आज यहाँ आए हैं और मैं इस संस्थान से, शिव शक्ति योग आश्रम से 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और लाफ्टर योगा का इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। लाफ्टर योगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उससे मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, इंडिया के लिए एम्बेसडर भी हूँ और हास्य योग के जरिए पूरी दुनिया में मैं खुशी का प्रचार प्रसार करता हूँ और इंटरनेट पे हमारे हजारों वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर है। लेकिन इस शिव शक्ति योग आश्रम से जुड़ने के साथ हम जो खुशी हम हास्य योग के जरिए फैलाते हैं उसमें क्या नकली हंसी हंसी जाती है, लेकिन यहाँ पर हम सनातन परम्परा के इस योग आश्रम से जब जुड़ के आगे काम करेंगे इस भूमि पूजन के उपरांत, तो पूरे वर्ल्ड में चुके मुझसे हास्य योग से जुड़े लोग, वर्ल्ड के हर कंट्री में मुझसे जुड़े लोग हैं और वो सच्ची खुशी की तलाश में है। तो अभी तक तो मैं हास्य योग के जरिए उन तक खुशी पहुंचाता था, लेकिन शिव शक्ति योग आश्रम में आने के बाद आंतरिक प्रसन्नता जो है वो इस साधना मार्ग पर जब वो जुड़ेंगे तो वर्ल्ड से लोग यहाँ आएंगे। गोहला ग्राम जो हंडिया तहसील का आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना है और यहाँ पर सभी उपस्थित लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पूरे विश्व से लोग अब आएंगे और सच्ची खुशी की तलाश में इस नर्मदा के तट पर साधना करेंगे और शिव